हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम नरेशन सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस का, कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस पाई जाती है, तो अकॉर्डिंगली हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त। सबसे पहला रूल जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी अगर वहाँ पे हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, अगर उसमें ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा या फिर एडवाइस होगा, तो हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते वक्त सेट को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, कमांडेड और प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द सेंस दैट इज़ रिवील्ड इन द सेंटेंस। अगर ऑर्डर होगा तो हम सेट को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, अगर वॉर्न होगा तो हम सेट को वॉर्न्ड में चेंज करेंगे। किसी चीज़ को करने का अवॉइड किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो, तो हम सेड को चेंज करेंगे प्रोहिबिटेड या फिर अवॉइडेड में। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में हमने रिक्वेस्ट की होगी तो हम सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड, अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड हम लिखेंगे सेड के बदले। तो सेकेंड चीज़ जो इसमें हमें चेंज करनी है दैट इज़ जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम यूज़ करते हैं टू रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमें दो पार्ट्स को जोड़ना है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमें मिलाना होता है रिपोर्टेड स्पीच से, तो वहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हमने डायरेक्ट में यूज़ किए होते हैं उनको रिमूव करके हम यूज़ ऑफ टू करते हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट स्टार्ट में आया होगा तो हम डू को ख़त्म करते हैं और अपना सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में नॉट टू से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स में इसको बेटर समझेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है ये चेंज होता है ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, प्रोहिबिटेड। तो जिस हिसाब से जो आइडिया वो वहाँ पे कन्वे होगा उसी हिसाब से हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड टू मी ओपन योर बुक। ओपन योर बुक ये जो सेगमेंट है इट इज़ गिवन विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, ये बंद है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट को चेंज करना है ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है ओपन योर बुक इसमें किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया गया है, ओपन योर बुक अपनी किताब खोलो, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, दैट इज़ वाई वी चेंज दिस सेट इन टू ऑर्डर्ड। तो हमने इनडायरेक्ट में इसका कैसे चेंज किया, द टीचर ऑर्डर्ड मी, फिर यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाना है क्योंकि अब हमें एक ही सेंटेंस बनाना है, एक ही पार्ट बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से हमें कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के लिए हमने यूज़ करना है तो इसके बाद हमेशा से वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होगा, आप इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं तो इन्फिनिटिव इसका यूज़ होता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, द टीचर सेड टू राज, द टीचर सेड टू राज स्टैंड अप एंड शट द डोर, इसमें आप देख सकते हैं एक और ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ एंड शट द डोर दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ कोई काम करने का हुक्म पाया गया है तो सेड टू को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे या फिर कमांडेड भी लिख सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड राज, फिर यहाँ पर जो कामा है इनको हटाएंगे हम, इनको रिमूव करेंगे, इसके बदले हम यूज़ करेंगे टू, द टीचर
ordered Raj to stand up and shut the door. Rest part of the sentence जो है वो सेम रहेगा. खाली क्या करना होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में, एक तो रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस. अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड में, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड में. अगर इनका किसी चीज़ को मना किया गया तो हम लिखेंगे फॉरबेड या फिर अवॉइडेड या फिर प्रोहिबिटेड. तो दीज आर द चेंजेस दैट आर टू बी मेड व्हेन वी चेंज एन इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट इज इनडायरेक्ट स्पीच. कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, देखते हैं. माय फादर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस. वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, यहाँ पर एडवाइज किया गया, नसीहत की गई है, मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाओ. माय फादर सेड टू मी, मेरे बाप ने मुझको एडवाइज किया है कि मेहनत करो सक्सेस के लिए. तो सेड टू को हम चेंज करेंगे एडवाइज्ड में. माय फादर एडवाइज्ड मी, फिर यहाँ पर जो कॉमा है इनको रिमूव करेंगे, इसके बदले हम यूज़ करते हैं टू, और इसके बाद हमेशा से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू इनफिनिटिव. माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस. रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू कैन सी दैट इज़ सेम. यहाँ पे कोई चेंज नहीं, सिर्फ दो चीज़ें हमने बदल दी. एक तो सेड टू को हमने चेंज किया एडवाइज्ड में, और फिर कॉमा को हटाने के लिए हमने यूज़ किया है टू. तो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में. नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड टू अस लर्न योर लेसन्स केयरफुली. तो टीचर ने यहाँ पे हमें कहा कि अपना जो लेसन है उनको आप अच्छे से याद करो. तो यहाँ पर भी एडवाइज ही है, तो सेड टू को हम रिप्लेस करेंगे एडवाइज्ड, फिर यहाँ पर कॉमा हटाने के लिए हम लगाएंगे टू. रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. द टीचर एडवाइज्ड अस टू लर्न आवर लेसन्स केयरफुली. यहाँ पे था लर्न योर लेसन्स, टीचर ने हमसे कहा तो हमारे लेसन्स हमको याद करने हैं. योर इसको हम चेंज करेंगे अवर में. ही सेड टू मी डोंट प्ले म्यूजिक हियर. तो हमें कोई काम करने से रोका जा रहा है, यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे फॉरबेड. सेड टू के बदले हम लिखेंगे फॉरबेड, क्योंकि मना किया जा रहा है यहाँ पे, कोई काम करने से हमें रोका जा रहा है. ही फॉरबेड मी, फिर इसका जो डू है वो ख़त्म करेंगे हम. पहले हम नॉट लगाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने रूल्स में पढ़ा था टू या नॉट टू हम यूज़ करते हैं. तो नॉट तब यूज़ करना है जब सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है या डू नॉट से स्टार्ट होता है. ही फॉरबेड मी नॉट टू प्ले म्यूजिक देयर. हेयर चेंज इन टू देयर. फॉरबेड मीन्स मना करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन. यहाँ पर जो वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट हमने यूज़ किया दैट इज़ प्लीज़. हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं काइंडली, प्लीज़, व्हेन वी मेक अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लीज़ और काइंडली. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है. अकॉर्डिंगली जो सेड टू यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बदले हमें लिखना है रिक्वेस्टेड, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सेंस है दैट इज ऑफ द रिक्वेस्ट. शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन. प्लीज़ गिव मी योर पेन, यानी मुझे उसको देना है अपना कलम. शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन. सम मोर एग्जाम्पल्स, ही सेड टू मी हेल्प द पुअर. गरीबों की मदद करो. तो यहाँ पर भी एक एडवाइस दी गई है. ही सेड टू मी, सॉरी यहाँ पर हम सेड टू के बदले लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी. ही एडवाइज्ड मी, क्योंकि इस सेंटेंस में एडवाइज है. हेल्प द पुअर, कॉमा हटाने के बाद हम यूज़ करेंगे टू. ही एडवाइज, सो टू चेंजेस आर टू बी मेड हियर. फर्स्ट सेड टू को रिप्लेस करेंगे एडवाइज्ड, नंबर सेकेंड इंस्टेड ऑफ दीज कॉमास हम यूज़ करेंगे टू. फिर हेल्प जो है एच स्मॉल आएगा यहाँ पे, टू हेल्प द पुअर. ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर. नेक्स्ट एग्जांपल, द मदर सेड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम.
माँ ने लीला से कहा, अपना वक्त ज़ाया मत करो, वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर भी एडवाइज है, तो सेड टू को हम रिप्लेस करेंगे एडवाइजर, द मदर एडवाइजर लीला। फिर जो डू है ये हम हटाते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली नॉट से सेंटेंस यूज स्टार्ट करेंगे। नॉट के बाद हमें यूज़ करना है टू, टू इनफिनिटिव, टू वेस्ट। द मदर एडवाइजर लीला नॉट टू वेस्ट हर टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरीश सेड टू मोहन, लिसन टू वाट आई से। यहाँ पर सेड टू को हम आस्क्ड से रिप्लेस करेंगे। हरीश आस्क्ड मोहन टू लिसन टू वाट ही सेड। ये वाला टू जो है इट इज़ इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो है ये यहाँ पर ही पहले से दिया गया है लिसन टू, तो ये वाला वही है। I said to my father, allow me to go on an educational trip, please. तो please यहाँ पे use हुआ, that is request is made here. तो यहाँ पर said to के बजाय हम लिखेंगे requested. Said to के बदले लिखेंगे हम requested. I requested my father. फिर comma को remove करेंगे, इसकी जगह हम use करेंगे to. I requested my father to allow me to go on an educational trip. Next example, he said to me, open the door. यहाँ पर भी हुक्म है, order है, command है. He ordered me. फिर यहाँ पर comma को replace करेंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे to. He ordered me to open the door. The teacher said to the boys, obey your parents. ये भी एडवाइस है, नसीहत है, तो हम लिखेंगे the teacher advised the boys to obey their parents. He said to me, put it on the table. Put it on the table. He asked me to put it on the table. या फिर लिख सकते हैं he ordered me to put it on the table. Work hard if you want to pass, said the teacher. यहाँ पर भी एडवाइज है, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड इफ़ ही वांटेड टू पास। सिंपल है। फादर सेड टू हिज सन, डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज, बुरे लड़कों के साथ बुरी सोबत में मत पड़ो, बुरे लड़कों के साथ ताल्लुक मत रखो। तो यहाँ पर भी एक एडवाइज की गई है, सिंपली सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसकी जगह हम लिखेंगे एडवाइज्ड। Father advised his son, comma को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे to, लेकिन इससे पहले नेगेटिव वर्ड आएगा not, not to mix up with bad boys. Father advised his son not to mix up with bad boys. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, the commander said to his men, मार्च फॉरवर्ड। कमांडर ने अपनी आदमियों को हुक्म दे दिया मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। मार्च मीन्स आगे बढ़ना, टू स्टेप फॉरवर्ड। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू मार्च फॉरवर्ड। एक मार्च तो हो गया नेम ऑफ मंथ, लेकिन यहाँ पर मार्च का मतलब है टू स्टेप, आगे बढ़ना, पैदल चलना। द कमांडर सेड टू हिज मैन, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे कमांडर जो है अपने आदमी को क्या करता है, ऑर्डर करता है, हुक्म देता है आगे बढ़ो। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सन टू मार्च फॉरवर्ड। ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। द टीचर सेड टू द बॉयज, ओबे योर पेरेंट्स। ही सेड टू मी पुट इट ऑन द टेबल, वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू पास। ये तो हमने पहले से की है। So this was all about the narration of imperative sentences. Hope you have understood it. तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें सिंपली आपको दो रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए imperative sentences क्या होता है, जिसमें order हो, request हो, advice हो, command हो, किसी चीज़ को मना किया गया हो करने से, यानी prohibition हो या suggestion हो या warning हो। तो सिंपली हम सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस।
ordered, requested, advised, forbade, prohibited, avoided, suggested, warned. तो नेक्स्ट जो हमें चेंज करना है वो होता है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं टू, या नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं नॉट टू. दिस इज़ ऑल अबाउट इम्परेटिव सेंटेंसेस. थैंक यू वेरी मच.